उत्तर प्रदेश की सियासत में बतौर विपक्ष अपना झंडा मजबूती से गाड़ने वाले सपाइयों ने लगता है 2024 के चुनावी डगर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में पार्टी की सेहत सुधारने वाले मजबूत चेहरों की पहचान की जा रही है। साथ ही खबर ये भी है कि ऐसे चेहरों को किनारे लगाने की भी तैयारी है जिनका होना या ना होना पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता। ऐसी चर्चाओं में चचा शिवपाल का नाम भी खूब गूंज रहा है। ऐसा लगता है कि चचा शिवपाल का रवैया देखकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद ही उनसे पीछे हटने का मन बना लिया है। प्रदेश में बीजेपी से बढ़ती उनकी नजदीकियों की गूंज है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अब उनसे खुद ही दूरी मेंटेन करनी शुरू कर दी है। दरअसल अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के नतीजों से पूरे जोश में भर गए हैं। पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अब उनका पूरा फोकस 2024 में होने वाले आम चुनाव पर है। ऐसे में अब उन्हें सपा के समर्पित सिपाहियों की जरूरत होगी। उनकी इस प्लानिंग में एक नाम ऐसा है जो पहले भी खूब चर्चाओं में रहा है। नाम है आशु मलिक। आशु मलिक अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि शिवपाल यादव भले ही अखिलेश से कन्नी काट रहे हों, लेकिन उनके चहीते रहे आशु मलिक अब शिवपाल को छोड़ अखिलेश के साथ हो लिए हैं। आशु मलिक वो नेता हैं जो किसी जमाने में शिवपाल यादव के मोस्ट फेवरेट हुआ करते थे। पार्टी में इनकी चर्चा कुछ यूं थी कि ये करीबी तो शिवपाल के थे, लेकिन आजम खान से दूरी बनाए रखते थे। कहा जाता है कि आजम खान पार्टी में इस मुस्लिम चेहरे के बढ़ते कद से परेशान रहते थे। ये चर्चा में उस वक्त छाए थे जब साल 2017 में समाजवादी पार्टी के एक मंच पर पिता पुत्र के बीच कुछ तनाव देखने को मिला था। इनका नाम उस तनातनी से भी जोड़कर देखा जाता है। ये वो नेता हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रबल मुस्लिम चेहरे के तौर पर अपनी पकड़ रखते हैं और हाल ही में सहारनपुर से विधानसभा का चुनाव भी जीते हैं। एक वक्त था जब शिवपाल के करीबी रहे आशु मलिक ने अपने एक बयान में अखिलेश यादव को औरंगजेब तक कह डाला था, लेकिन अब हालात अलग हैं। इन दिनों आशु मलिक और अखिलेश यादव के बीच घनिष्ठता बढ़ती देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अखिलेश 2024 के आम चुनाव के लिए सपा के जिन मजबूत लड़ाकों को फ्रंट के लिए तैयार कर रहे हैं, उनमें एक नाम आशु मलिक का भी है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को पार्टी की ताकत बनाए रखने में सहारनपुर से आने वाले आशु मलिक की बड़ी भूमिका हो सकती है। हालांकि रामपुर में पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान भी हैं, लेकिन पार्टी शायद अपने इस वोट बैंक को संभालने के लिए किसी एक चेहरे को धुरी बनाने से बच रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।